come good morning to all my dear students how are you all i hope all of you are in good health today i am making online videos for class three subject science chapter name is housing and clothing lecture three we wear clothes to protect our cloth clothing मनमिस कपड़े ठीक है हम कपड़े क्यों पहनते हैं ताकि अपने body को protect कर सकें clothes protect us from the sun wind rain cold and dust जो clothes होते हैं जो कपड़े होते हैं वो हमें किसी से बचाते हैं छोरे की रोशनी से हवा से बारिश से ठंडी से और धूल से दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्राम द इंसेक्ट बाइट्स और कीड़ों के काटने से भी हमें बचाते हैं क्लॉज ऑल्सो अस लुक स्मार्ट जो कपड़े होते हैं वो हमें स्मार्ट पर्सनलिटी देते हैं लॉन्ग लॉन्ग ए गो पीपल वेयर वो क्लोथ्स मेड फ्राम लीव्स और एनिमल स्किन काफ़ी पहले बहुत सालों पहले जो एन टाइम होता था अर्ली मैन वाला जो पीरियड था उस पीरियड में जो पीपल होते थे वो क्या करते थे वो पत्तों और जानवरों की स्किन चमड़ी से बने कपड़े पहनते थे टुडे वी वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन सिल्क वूल नायलॉन एक्सेट्रा और आज जो हम कपड़े पहनते हैं किससे बना होता है ये बना होता है कॉटन से सिल्क से वूल से और नायलॉन से अब हम पढ़ेंगे फाइबर्स यानी कि रेशे के बारे में डिफरेंट क्लॉथ्स आर मेड फ्राम डिफरेंट फाइबर्स फैब्रिक्स आर मेड फ्राम दिस थीन फ्राम थिन थ्रेड लाइक मटेरियल्स कॉल्ड फाइबर्स बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग फैब्रिक्स से बने होते हैं विशेष से बने होते हैं फैब्रिक्स किससे बनता है तो फैब्रिक्स आर मेड फ्राम थ्रेड लाइक मटेरियल्स कॉल्ड फाइबर्स फैब्रिक क्या होता है एक एक, एक तरह का पतला में सूत होता है धागा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं फाइबर्स बोलते हैं एक रेशा रेशा बोलते हैं ये भी कह सकते हैं दे आर मैनी टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दो तरह के फाइबर्स होते हैं ठीक है नेचुरल होता है और एक ह्यूमन मेड होता है एक होता है मतलब नेचुरली और एक होता है हम इंसानों द्वारा बनाया गया नेचुरल फ़ाइबर आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स जो नेचुरल फ़ाइबर होता है वो कहाँ से हमें मिलता है तो वो हमें पौधे से मिलता है और जानवरों से मिलता है नेचुरल फाइबर्स आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज ठीक है जो नेचुरल फाइबर्स होता है वो दो टाइप्स के होते हैं एक होता है प्लांट्स जो पौधों से हमें रेशे मिलते हैं और एक होता है एनिमल फाइबर जो उनके uh, रोगों से हमें रेशे मिलते हैं ये सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कॉटन जूट वुल एंड सिल्क आर सम ऑफ द नेचुरल फ़ाइबर्स जैसे कि कॉटन uh, हो गया कपास हो गया जूट हो गया पुल हो गया सिल्क हो गया ये सब क्या है ये सब नेचुरल फाइबर्स है कॉटन इज़ कलेक्टेड फ्राम द हेयरी सीड ऑफ द कॉटन प्लांट कॉटन प्लांट आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो हेयरी सीड है इससे क्या होता है इसी से रेशा बनता है जूट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टेम एंड आउटर स्किन ऑफ द जूट प्लांट जूट प्लांट का जो ऊपरी जो उसका लेयर होता है आ, तो, और जो स्टेम होता है उसी से क्या होता है जूट प्रोड्यूस बन, जूट बनता है या फिर प्रोड्यूस होता है ऊन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ हेयर एनिमल्स लाइक शिप गोड्स एंड कैमल्स और ऊन कहाँ से मिलता है तो ऊन हमें शिप जानवर जैसे कि शिप हो गया बकरियाँ हो गई ऊट हो गया इन सब से क्या मिलता है हमें आ, वुल मिलता है और सिल्क इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ सिल्क वाम से सिल्क वाम होता है उनके जो ऊपर का लेयर जब फट के निकलता है ना पेन्स तो ऊपर की जो खाल निकलता है उसी से क्या होता है सिल्क जो है वो आ, सिल्क का धागा हमें मिलता है जैसे क्या बनता है सिल्क का कपड़ा बनता है वो किसे मिलता है हमें सिल्क वाम से आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे जो सिल्क वाम है तो ये कोकोन है ठीक है वो कोकोन खाते जाते हैं और वो कोकोन प्रोड्यूस करते जाते हैं उसी से क्या होता है सिल्क के कपड़े बनते सिल्क के कपड़े काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली होते हैं एक कोकोज इज़ अ कवरिंग मेड फ्रॉम द स्मूथ थ्रेड विच इज बे विच अ बेबी सिल्क वाम लाई जिसमें क्या होता है एक बेबी सॉरी मैंने आपको गलत बताया था कि कोकोन जो है वो ऊपर का लेयर होता है जिसमें क्या होता है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं स्मूथ जिसमें बेबी क्या होता है सिल्क के बेबी जिंदा रहते हैं बात समझ में आया प्लांट फाइबर्स क्या हो गया बच्चों प्लांट्स फाइबर हो गया आपको कॉटन प्लांट हो गया जिससे कि कॉटन का ड्रेस बनता है जूट प्लांट से क्या बनता है जूट फाइबर्स बनता है जैसे कि जूट के बोरे बनते हैं बैग्स बनते हैं ठीक है ये सब हो गया नेचुरल और नेचुरल रिसोर्सेज़ हो गया एनिमल फ़ाइबर आपको क्या हो गया तो एनिमल्स फ़ाइबर आपको हो गया जैसे कि जो सिल्क सॉफ्ट एंड फ्राम दो कोकोन्स ऑफा सिल्क वम्स सिल्क कहाँ से मिलता है हमें तो जो कोकोन्स होता है जिसमें छोटे चुछ छोटे सिल्क बेबी सिल्क वाम्स बनपते हैं उससे हमें क्या मिलता है उससे हमें सिल्क के कपड़े या सिल्क के धागे बनते हैं उल इज ऑफ्ट एंड फ्राम शिप तो वल कहाँ से मिलता है हमें तो भेड़ से मिलता है बकरियाँ से मिलती है सबके रोहों से हमें क्या मिलता है उल मिलता है जैसे कि ऊँट हो गया बकरी हो गई और भेड़ हो गया तो बच्चों आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स सो चिल्ड्रेन टेक केयर डे थैंक यू स्टेज सेफ स्टेट होम